अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दिवाली को लेकर चारों ओर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। रोशनी के त्योहार दीपावली में अब महज दो दिन शेष हैं। ऐसे में लोग अपने घरों, ऑफिस और दुकानों की साफ सफाई से लेकर सजाने को लेकर अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने तरीकों से घरों में दिए और लाइट सजाते हैं। वहीं धनतेरस को लेकर भी चारों ओर बाजार पट चुका है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह में अमावस्या तिथि को दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। इस वर्ष 24 अक्टूबर दिन सोमवार को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा। पूरे भारत में इस पर्व का अलग ही हर्ष और उल्लास देखने को मिलता है। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा का सबसे अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता है कि दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी घरों में पधारती हैं और धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। मान्यता है कि दिवाली के दिन ही प्रभु श्री राम लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास पूरा कर भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में पूरे अयोध्या को दीयों की रोशनी से सजा दिया गया था। उस दिन से ही पूरे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाने लगा। दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर दिन रविवार को शाम 5:04 से प्रारंभ हो रही है और ये तिथि अगले दिन 25 अक्टूबर सोमवार को शाम 4:35 तक मान्य है। 24 अक्टूबर दिन सोमवार के दिन हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा नक्षत्र और विषकुंभ योग में दिवाली पूजन और दीपदान होगा। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आती हैं और घर घर विचरण करती हैं। दिवाली के दिन ऑफिस और दुकानों में अच्छी तरह सफाई कर कार्यस्थल पर फूलों, लाइट्स और रंगोली से सजावट की जाती है। लक्ष्मी गणेश जी के सामने बताशे, मिठाइयाँ, पैसे और आभूषण रख विधि विधान से पूजा करनी चाहिए।